काफी व्यूवर्स ने बोला था कि जब मैं आमबाद की ट्रीटमेंट शुरू की थी तो इसका फॉलोअप बताना कि इसका एंड स्टेज क्या होता है। तो जब वो पहली बार आए थे तो हमने उनका आमबाद का प्रोटोकॉल के हिसाब से सर्वांग बाष्प स्वेदन शुरू किया था। बाष्प स्वेदन के बाद उनको विरेचन करवाया, विरेचन के बाद बस्ती नीरू बस्ती दशमन को याद की थी, साथ में अग्निकर्मा भी डेली चल रहा था। और अग्निकर्मा के साथ साथ आज मैंने वालू का स्वेदन भी डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसका भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। साथ में अपनी मेडिसिन भी चला, मेडिसिन क्या क्या दी मैंने, तो पिपली चूर्ण खास इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, योगराज गुगलू, जटामांसी सीनाथ गुगलू और रसना पंचक कुआर, इतनी सारी चीज़ें हमने दे चुके हैं। और आज उनके ट्रीटमेंट का लास्ट डे, तो अब पेशेंट को पूछते हैं कि उनको पहले कैसा था और अभी कैसा है, उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, बताइए जरा। राम नारायण यादव। अच्छा, क्या दिक्कत थी जब आए थे? तो तकलीफ थी, जॉइंट पेन जी, हाँ सभी जगह जी, तो जॉइंट पेन की तकलीफ थी। हाँ जी, तो ये काफी 20-25 साल पुरानी तकलीफ थी। 20-25 साल से थी जी। तो ये ट्रीटमेंट के दरमियान कोई परेशानी, कोई तकलीफ बड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं? ट्रीटमेंट के कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ। और पेन में भी थोड़ा कमी आई है। हाँ, जो पेन जिस दिन जिस दिन आप आए थे जो स्थिति में था उसमें वही की वही स्थिति है, नहीं कमी हुई है, दर्द कम हुआ है ऐसा आपको लग रहा है? ओके, दर्द में कहाँ पे कम लग रहा है? थोड़ा ये शोल्डर और ये चेस्ट के साइड में होता था ये दर्द, पहले ज्यादा इसकी दर्द ज्यादा कम हुआ है, ये दर्द कम हुआ है काफी, ये आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा पहले ये तो है, लेकिन पहले से थोड़ा आप समझिए 25-30% से कम कमी आई है। कम जी जी, तो ये भी ये सारी मूवमेंट्स आप कर पा रहे हैं? कितने दिन हुए? लगभग 10 दिन हुए। दस दिन जैसा हुआ है, 10 दिन हुए ट्रीटमेंट को, 10 दिन में इतना अपने को चेंज मिला। जिसको भी ऐसी तकलीफ हो तो एक बार संपर्क करके और ये इलाज कराएं। यूट्यूब में जो भी वीडियोस मुझे अपलोड करने होते हैं उसमें भी उन्होंने कभी भी कहीं पर भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना सपोर्ट दिखाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ट्रीटमेंट करके, और आगे भी अपने फॉलोअप में तो मिलते ही रहेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, चूज़ अदर चूज़ अदर।